गुजरात के सूरत में निजी कोचिंग सेंटर्स में लगी आग से पूरा देश हिल गया है। इसमें कई लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद सवाल ये है कि क्या निजी कोचिंग सेंटर पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम हैं? एवन टीवी ने राजधानी के निजी कोचिंग सेंटर्स पर जाकर रियलिटी चेक के माध्यम से जाना, आखिर यह सेंटर सुरक्षा के मामले में कितने सजग हैं। आइए देखते हैं कोचिंग सेंटर्स का सूरत ए हाल। असुरक्षित है कोचिंग सेंटर, राजधानी के असुरक्षित सेंटर पर उठे सवाल। हादसों के बाद भी क्यों नहीं ली जाती सुध? आगजनी के मामले में कोचिंग संचालक नहीं है सजग। राजधानी में धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं है। जिम्मेदार भी जवाब से कन्नी काटते मिले तो कोचिंग संचालक धड़ल्ले से नियमों को नजरअंदाज कर सेंटर चला रहे हैं। राजधानी में गोपालपुरा, लालकोटी, बरकतनगर, महेश नगर, जगतपुरा, झोटवाड़ा सहित कई इलाकों के सेंटर में लाखों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ ना तो फायर एनओसी है और न ही आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन। अधिकतर यहाँ पे जो कोचिंग्स है उनमें ऐसी सुविधाएं नहीं है और ये होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कोचिंग्स में ऐसी ज्यादातर नहीं है और ज़्यादातर बेसमेंट में होती है और ये सिस्टम होना चाहिए। अभी जो सूरत में ऐसा कांड हुआ उसमें 20 से 21 स्टूडेंट की डेथ हो गई और इससे ऐसा नहीं होना चाहिए हर कोचिंग में। नहीं नहीं, यहाँ पे अधिकतर संस्थानों में फायर एक्सटेंजर और वो सोर्स यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए खतरा है कि बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हाँ बिल्कुल खतरा ही रहता है हमेशा ही। इस गंभीर मामले में हाईकोर्ट ने भी 3 फरवरी 2016 को जेडीए और नगर निगम को सख्त नियम बनाने के आदेश दिए थे। नगर निगम ने नियम तो बनाए लेकिन उनको लागू करने के लिए कोचिंग सेंटर पर कभी दबाव नहीं डाला। ऐसे में नियमों को ताक पर रखने वाले कोचिंग संस्थान दिन दुगुनी रात चौगुनी संख्या में बढ़ते रहे। तंग गलियों में सेंटर्स में ना तो पार्किंग के इंतजाम है और न ही आग लगने पर बाहर निकलने का आसान रास्ता। हालांकि शहर में 5% कोचिंग संस्थानों के पास फायर एनओसी और आग बुझाने के साधन हैं। सूरत में कोचिंग संस्थान में आग लगने के बाद आज जयपुर की कोचिंग संस्थाओं का रियलिटी चेक किया, जहां पाया कि अधिकतर कोचिंग संस्थाएं नियमों को ताक में रखते हुए संचालित हो रही है, जहां ना तो फायर एनओसी है और ना ही आग बुझाने के पर्याप्त साधन। ऐसे में सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि 4 साल पहले नगर निगम द्वारा जो नियम बनाए थे वो लागू क्यों नहीं हुए। जयपुर से कैमरामैन दिनेश मेहरा के साथ लोकेश ओला, एवन टीवी।